रहमान और रहीम, आज के लेक्चर में हम 10th क्लास मैथ्स के पी के चैप्टर नंबर 2 तीरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर। इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स साइड। रेक्टेंगल है, एक साइड हम सपोज करते हैं कि एक्स है, अब दूसरा साइड के लिए कंडीशन गिवन है, वन साइड अगर रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर, मतलब कि अगर इस साइड को मैं डबल कर लूं, ठीक है, तो इससे 3 कम है। वन साइड इज ट्वाइस लेस देन, वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर, मतलब कि दूसरे साइड के डबल से 3 कम है। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा 2x-3 होगा, मतलब अगर x है दूसरा मैंने डबल किया, लेकिन कंडीशन ये है कि डबल से 3 सेंटीमीटर कम है, तो ये x सेंटीमीटर हो गया और ये 2x-3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब लेट वन साइड ऑफ ट्रायंगल रेक्टेंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन अदर साइड will be 2x-3 centimeter. So according to given condition, yeah, area of rectangle is equal to length multiplied by width. Area hami given hai 54 square centimeter hai, is equal to length hamare sath hai 2x-3, our width hai x, to 54 is equal to 2x multiplied by x से आता है 2x square minus 3 multiplied by x से आता है 3x, या 2x square minus 3x minus 54 is equal to 0। पहले और आखिर से आता है 108, अगर पहले टर्म आखिर टर्म मल्टीप्लाई कर लो तो minus 108 x square आता है। तो इस minus 3x को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि सम से माइनस 108 आता हो और इसकी मल्टीप्लिकेशन से ही आता हो, ठीक है। तो 2x² - 12x + 9x, तो -12x + 9x से -3x आता है और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ही आता है। अब इन दोनों में 2x कॉमन है तो यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे 6 रह जाएगा, और यहाँ पे 9 कॉमन है तो यहाँ पे x - 6 इज इक्वल टू 0। याद है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर डिफरेंट हो तो मतलब आंसर में गलती है। अब इन दोनों टर्म में x माइनस 6 कॉमन है तो यहाँ पे 2x + 9, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या 2x + 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 और 2x इज इक्वल टू -9, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि नेगेटिव साइड हो नहीं सकता। तो एक साइड हमारे साथ, एक्स हमारे साथ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ हमारे साथ है, वेथ हमारे साथ है 6 सेंटीमीटर और लेंथ होगा 2 × x, तो 2 × 6 -3, तो लेंथ इज इक्वल टू 2 × 6 = 12 -3 15 सेंटीमीटर। तो ये साइड हमारे साथ 6 सेंटीमीटर होगा और ये साइड 15 सेंटीमीटर, तो दोनों साइड मालूम हो गए और आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।